सब लोग कह रहे हैं किसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ है, आपने फरमाया कि जहाँ मेरी उतनी ठहरेगी। ये था अबू अय्यूब अंसारी का घर, और अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास दो यतीम बच्चों की जगह थी, सहल और सुहेल की, तो जगह को खरीदा, तो यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बनाई। उस वक्त जो बकी थी शहर से दूर थी और दो हिस्सों में थी, आज बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब और एक हिस्से में है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह मस्जिद नबी बन गई, और मस्जिद नबी का कुल रकबा जो था 30x35 मीटर मस्जिद नबी थी। छत जो थी खजूर के तनों की थी, और पिलर जो थे खजूर के दरख्त के थे, साथ ही दो कमरे थे हज़रत आयशा और हज़रत सऊद का। फिर 2 हिजरी में जब किबला चेंज हुआ तो बिल्कुल ऑपोजिट में आ गया, और कमरे वैसे के वैसे वही रहे। अब देखें असाब सुफा की जगह पे मुसल्ला बन गया, और मुसल्ला की जगह पे असाब सुफा बन गया। 7 हिजरी में गज़वे खैबर के बाद मस्जिद को बड़ा कर दिया गया, और उम्मतमी के हुज्जत शरीफ बढ़ गए थे, 2 की बजाय 4 हो गए थे। 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, और सहन में कंकरियां डाल दी, और मस्जिद छत को पक्का कर दिया गया। 17 हिजरी में असहाब सफा खत्म हो गया, ये वाली चीज यहाँ पे खत्म हो गई थी, और मस्जिद बड़ी हो गई। फिर हजरत उस्मान गफ्फान के जमाने में इस मस्जिद नबी बन गई, और यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक मस्जिद से बाहर रही। बनू उमैया के जमाने में इस मस्जिद नबी बन गई, और 4 मीनार बना दिए, इससे पहले कोई मीनार नहीं थे, और यहाँ पे 4 मीनार बना दिए गए। फिर उनके बाद है खलीफा महदिल अब्बासी, तो अब्बासियों ने आकर इन 2 मीनारों का इजाफा किया, और बीच में वजू खाना बन गया, और ममलूकियों ने आकर इस मस्जिद नबी को बना दिया, और साथ साथ ये गुम्बद भी बनाते गए, यानी कि मस्जिद में आवाज गूंजे। उस वक्त सफे का सिस्टम नहीं था, और तुर्कियों ने आकर इसका कलर चेंज कर दिया, रंग को किए हुए 200 साल हो गए, और पूरे गुम्बद को बने हुए 600 से कोई 700 साल हो गए, यानी कि गुम्बद जो है आज से 200 से 250 साल पुराना, 700 साल पुराना गुम्बद बना हुआ है, और रंग को किए हुए तकरीबन 200 से 150 साल से गुरान, यानी कि सिल्वर से ग्रीन, यानी कि 200 से 150 साल इस कलर को हो गए चेंज किए को। अच्छा। जी सर, ये किंग फहद के जमाने में इस मस्जिद नबी बन गई थी। तो ये देखिए इस तरफ जो है मस्जिद नबी है, ये मस्जिद नबी की दीवार, ये कमरा आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत फातिमा की बेटी रज़ी अल्लाह अजमैन, और ये था हुजरा, और ये तीनों कब्र मुबारक जो बनी हुई है इस हुजरे में बनी हुई है। तो जैसे जैसे पुराना होता गया तो यहाँ पे गिर गई छत और दीवार, गिर गई थी, और गिरने के बाद दोबारा बनाया, तो इस तरह बनाया, पहले जो दीवार थी यहाँ थी, इस दीवार को पीछे कर दिया, सहन बड़ा हो गया और कमरा छोटा हो गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक 5 कोने वाली दीवार बना दी। 5 कोने वाली दीवार इसलिए बना दी यानी काबे के मुतशाबे भी ना हो, कब्र को सज्दा भी ना हो, और तवाफ भी ना हो। जो नूरुद्दीन ज़िकरी ने जो शीशा डाला था, ये शीशे की दीवार है। आज हम जालियों से क्या देखते हैं, ज़हर पे बरस के टाइम में इस बन गई, और ये उस वक्त जो जालियां थी लकड़ी की थी, आज बिल्कुल उस वक्त जो जालियां थी लकड़ी की थी, इसके 10 साल बाद फिर इस तरह बन गया, और जालियां भी ऊंची कर दी, और गुम्बद भी बना दिया। गुम्बद इसलिए बन गया था क्योंकि जब बारिश हो तो इसका पानी दाएं बाएं फैल जाए। तो इसके 200 साल बाद आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद को आग लग गई थी, और इस मस्जिद अभी जल गई थी, और ये जालियां लकड़ी की हैं, और उसने वक्ती तौर पर ये चमड़े की जालियां बनाई, फिर इसके लिए मखसूस मिस्र से जालियां तैयार कर रहे थे, ये स्टील और तांबे की बनी हुई है, ये जालियां जो है चमड़े की जालियां उन्होंने वक्ती तौर पर लगाई, और इसी के ऊपर ये बड़ा वाला गुम्बद बन गया, और ये जो जालियां गोल्डन जालियां जो है पीतल की जालियां हैं, और ये लोहे की जालियां हैं। ये कहाँ से बनी? ये जो है मिस्र से बनवा के लिए आए थे, मिस्र से बना। फिर इसी को फिर रंग यहाँ पे चेंज कर दिया गया, सिल्वर से ग्रीन हो गया। ये तुर्की तामीरात यहाँ से कब से शुरू हुई? यानी कि अब देखे अब तुर्की यहाँ पे आ गए, तुर्की ने आकर रंग चेंज कर दिया था। तदफीन करते हैं, यहाँ जो है कब्र लाहद को जी जाती है, अब मैयत को लेके आ रहे, यहाँ नीचे उतार रहे, नीचे उतर गई, उतरने के बाद गांठे खोल रहे हैं, करवट के साथ अंदर कर दिया, यहाँ सेटल सीटें बंद कर रहे हैं, यहाँ कुछ ईंटें बाकी हैं, ये मुकम्मल ईंटें बंद होगी, मट्टी डाल रहे हैं, और ये मुकम्मल कब्र बन गई है, और मगफिरत के लिए दुआ मांग रहे हैं। जी जी जी, तो बाकी ये तो आपने देख लिया था हुजरा और गुरफा। देखें हुजरा और गुरफा, गुरफा मानी बेडरूम, ये था सहन था जिसपे बेड रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सबने आखिरी लम्हात गुजारे थे हजरत आयशा के हुजरे में,
इस बेड को हटाकर नबी अकरम सलम की कब्र मुबारक खोदी गई थी। तो अबू तलहा ने आप कब्र मुबारक खोदी, हजरत अली, हजरत अब्बास, फजल, उसामा और शुगरान ने नबी अकरम सलम को गुस्ल दिया। यहाँ पे आपको गुस्ल दिया जिसमें बेरी के पत्ते और बिरल गुर्स का पानी है। फिर दो या तीन दिन के बाद बिरल गुर्स, बीर अल बीर कहते हैं कुएं को, हाँ उस कुएं का नाम जो था गुर्स था। तो यहाँ पे देखें ये चीज, यहाँ पे आप सब कब्र मुबारक बन गई और यहाँ देखें ये तीनों कब्रें आ गई। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, और यही चीज है पांच कोने वाली दीवार के अंदर है। यहाँ तक ना कोई जा सकता है ना जाने का कोई रास्ता है। तो अभी जो हम यहाँ से देखे मेरे भाई, हम जब दाखिल होते ये बाब सलाम है, ये बाब बकी है, ये बाब सलाम है, ये बाब बकी है। तो यहाँ पे जो जालियां आती हैं, पहली वाली जाली खाली है, आखिरी भी खाली है, तीनों कब्र मुबारक मिडल में आती है। ये दो खाली हैं, ये भी दो खाली हैं, ये आप सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, ये देखें ये आप सलाम, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, ठीक है।